लास्ट चैप्टर ये आज हम फिनिश करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? सो टेक्निकली दिस इज द लास्ट लाइव क्लास फॉर दिस मंथ. चलिए सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस है ना, आई नीड टू मॉडिफाई इट. यहाँ पर जो ऑप्शंस है बच्चों वो है ए कॉमा डी, यानी कि दोनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है? ए और डी, राइट? सेकेंड ऑप्शन हैगा आपका बी एंड डी, ठीक है? थर्ड ऑप्शन होगा बेटा ए सी, एंड फोर्थ ऑप्शन वुड बी सी एंड डी. अब बताइए इन चारों में से कौन से ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है? कम ऑन, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली. कम ऑन एवरीबॉडी. अरे वाह, वेरी गुड. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बीओडी का मतलब है कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड इसका मतलब है वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखा हुआ एक बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग. साइलेंट स्प्रिंग, रेचल रेचल की बुक है साइलेंट स्प्रिंग. इज रिलेटेड टू, बेटा किस चीज़ से रिलेटेड है? किस चीज़ से रिलेटेड है? जैसे साइलेंट किलर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से. आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है यहाँ पर. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर टू, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन. वेरी गुड. अ लोकेशन विद लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट. बताइए अगर पेड़ों पर लाइकन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है तो उससे क्या पता चलता है? वेरी गुड श्वेता, क्या बात है. प्राची, शिवानी, लवी एम्पायर, युगराज, वेरी गुड. लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, साफ एरिया है. ये बताइए जोन ऑफ एटमोसफेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट. कम ऑन, जोन ऑफ एटमोसफेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट. कम ऑन, बहुत बढ़िया, स्ट्रेटोस्फेयर. बहुत सही. अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स. बच्चों स्क्रबर किस चीज़ को रिमूव करता है? बताइए. कम ऑन, ये तो एनसीईआरटी में ही लिखा था बेटा, एनसीईआरटी की ही लाइन है. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. ओके नेक्स्ट. क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एंडोर्स्ड एट, आपको याद है ये हमने कल पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसके अलावा मैंने आपको ये लिखवाया था, साथ साथ बताया भी था ये किसने एंडोर्स और कहाँ पर एंडोर्स किया गया था. बताइए. वेरी गुड, COP3, एब्सोल्युटली. ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, बताइए बच्चों ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करोगे? कम ऑन, करेक्ट आंसर है सी, डिफॉरेस्टेशन को कम करके और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी कम करके. ये बताइए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इन टू फोर्स कब आया था? केम इन टू फोर्स, हाँ जी, चलो बताओ. वेरी गुड, 1981 में. चलिए, द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल वॉज डिसाइडेड एट, ये शायद सबको नहीं पता होगा. क्या लगता है बच्चों? वहाँ पर तुक्के नहीं लगाने हैं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं. मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोहा, ठीक है? दिस इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी कतार, है ना? चले याद रखना इसको. नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का वो किस चीज़ से थ्रेटेंड है? बता दो. कम ऑन,
द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, क्या लगता है बच्चों? बी एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एटमोस्फेरिक CO2 बढ़ती जा रही है। ये बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। बताओ, कम ऑन युवराज, पढ़ लो। बताओ बेटा, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम, उसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा तो कुछ बताया ही नहीं था मैंने, है ना? मैंने बताया था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फ्लामेशन एंड डैमेज हो सकता है लंग्स को, और इनहेल कर लेते हैं हम लंग्स तक, राइट सौरभ? कम ऑन, ये बताइए, इन एन एरिया वेयर DDT हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्यों होता है बच्चों? बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, DDT का प्रयोग काफी ज्यादा किया गया था। तो क्या होगा उससे? बहुत सारे बर्ड्स के जो अंडे थे वो हैच ही नहीं करेंगे, क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। रॉन्ग स्टेटमेंट, विच वन इज रॉन्ग? हाँ जी, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है बी। चलो, मेजरिंग BOD इज अ मेथड यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों इस मेथड को, BOD को मेजर करना? बताइए, मेजरिंग BOD इज अ मेथड यूज्ड फॉर, अरे वाह, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, वेरी गुड। 15, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, बताइए यूट्रोफिकेशन अक्सर कहाँ पर देखी जाती है बच्चों? कहाँ पर? फ्रेश वाटर लेक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? बताओ बेटा, मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ जी, वेरी गुड शिवानी, एम्पायर, बहुत अच्छे। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट सान्या। ये बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में? चलो लेट्स सी, किसको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी? याद है, हाँ जी बेटा, गलत स्टेटमेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि मिथाइल आइसोनेट जो गैस है ना, इसी की लीकेज होने की वजह से ये ब्लास्ट, ये ट्रेजेडी हुई थी, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई, सही बात है। और ये 23 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ, ये गलत स्टेटमेंट है ना? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, इस गैस की लीकेज हो गई थी बच्चों। गैस का नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट? क्वेश्चन नंबर 18, बताइए करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम, इनमें से कौन सी बिल्कुल करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म है? चलो बताओ, कम ऑन, करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म।
बिल्कुल सही, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बताओ बेटा, गुड ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? गुड ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? हाँ जी, स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, जो रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है? रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बताइए। कम ऑन, जो रिन्यूएबल हो और एग्जॉस्टिबल हो। वेरी गुड, फॉरेस्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, DB इज अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज फॉर दी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। कम ऑन बच्चों, DB पता है ना किस लिए यूज किया था हमने इसको? DB, क्या बात है, वेरी गुड। अ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, इसका मतलब है डेसिबल, नॉइस पॉल्यूशन की यूनिट थी। ये बताइए, हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेस। रिपीटेड क्वेश्चन है, कम ऑन। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन कुछ गैसेस अलग भी दे रखी है बच्चों। जो दो गैसेस हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, क्या लग रहा है विच वन इज करेक्ट? जसप्रीत ने सही बोला, रॉबर्ट ने। बेटा ए होगा, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था ना उसमें मिथेन नहीं दे रखा था, इसलिए N2O वाला करेक्ट था, है ना? यहाँ पर मिथेन है इसलिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट, जब डोमेस्टिक सीवेज मिक्स हो जाता है रिवर वाटर में तो क्या होता है बच्चों, बताइए? जब डोमेस्टिक सीवेज मिक्स हो जाता है रिवर वाटर में तो क्या होता है? कम ऑन टेल मी। सी, जितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेगी, है ना? ये बताओ, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये कब हुआ था और कौन से किसने अडॉप्ट किया था इसको बताइए? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करना, कम ऑन कम ऑन। बहुत सही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए बताइए, BOD इन अ रिवर वाटर, BOD इन अ रिवर वाटर, पढ़िए ऑप्शंस को। हाँ जी, BOD इन अ रिवर वाटर, सी, वेरी गुड। इंक्रीज हो जाती है सीवेज के आने पर। ये बताइए, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड, कौन से स्टेप्स आते हैं बच्चों एयर पोल्यूशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए? कम ऑन, हाँ जी, नो, करेक्ट आंसर है ए। सब बच्चों ने CNG देखते हुए बोल दिया, ओनली एज फ्यूल बाय बसेज एंड ट्रक्स। ऐसा ही भैया, ऑटो है, कार है, सब यूज़ करेंगे, और इसके अलावा पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, बस डीजल का यूज़ नहीं करते, समझे? चलो, 27, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, क्या हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बता दो। कम ऑन, अभी तो पढ़ाई वाला, हरी अप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट रिडक्शन ऑफ ओजोन, वेरी गुड, डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये बताइए, जो DDT है वो रैपिडली पास हो जाता है फूड चेन में, बिकॉज, ऐसा क्यों होता है बच्चों? हाँ जी, रैपिडली पास हो जाता है फूड चेन में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लिपोसॉल्यूबल है, ठीक है? नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट किसकी प्रोटेक्शन के लिए थी बेटा? चिपको मूवमेंट किसकी प्रोटेक्शन के लिए थी? कम ऑन टेल मी। फॉरेस्ट, वेरी गुड।
और मैं आपको बता दूं, वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए रामसर साइट्स बनाई गई थी, वो एक कन्वेंशन थी, एक ट्रीटी थी, ठीक है, और उसमें सारे जो वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप है वो लिया गया था, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ, फटाफट से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इनमें से दो कॉजेज कौन से हैं, मेन कॉजेज किस चीज़ के, फिश मोर्टैलिटी के, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ होती जा रही है। कम ऑन बच्चों, अच्छे से पढ़िए सारे ऑप्शंस। हाँ जी, विच वन इज करेक्ट, बी, ए और बी दोनों ठीक है, राइट। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 31, सीपीसीबी के हिसाब से कौन सा पर्टिकुलेट मैटर है डायमीटर का जो कि हार्म करवा सकता है ह्यूमन की हेल्थ को। कम ऑन बच्चों, ह्यूमन की हेल्थ के लिए हार्मफुल है कौन सा, कम ऑन, सी 2.5 या उससे लेस, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ टू ग्रीन हाउस गैसेस, बताइए करेक्ट परसेंटेज ऑफ टू ग्रीन हाउस गैसेस। कम ऑन शिवानी, भावना, कम ऑन, सी, वेरी गुड स्मृति, बहुत अच्छे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बीओडी ऑफ सीवेज, डिस्टिलरी एफ्लुएंट, पेपर मिल एफ्लुएंट एंड शुगर मिल एफ्लुएंट हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, बताइए। बीओडी को असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, चलो ट्राई करो। कम ऑन, ओ कुछ ही बच्चों का आता है बेटा, करेक्ट है बी। भैया पेपर एफ्लुएंट में सबसे कम बीओडी, फिर सीवेज में इंक्रीज हो रहा है, फिर शुगर मिल इफ्लुएंट में, और फिर डीई यानी कि डिस्टिलरी इफ्लुएंट में, ठीक है। चलो, इन अ कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एमिशन ऑफ, किसके एमिशन को कंट्रोल करेगा, बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कम ऑन, क्या करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है बी बेटा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम का मतलब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, उन पार्टिकल्स की एमिशन को कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा। और स्क्रबर क्या कर रहा था, कुछ हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड उनके एमिशन को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चलो अच्छे से पढ़ो और बताओ करेक्ट कौन सा है, कम ऑन, विच वन इज करेक्ट, हाँ जी बेटा करेक्ट है डी, वेरी गुड। एक्सटेंसिव